चंद्र शुक्र का संबंध बन रहा है 28 अगस्त। 28 अगस्त को चंद्रमा है मकर में 2 डिग्री का, और शुक्र वक्री है 18 डिग्री का, बुध भी वक्री है, गुरु भी वक्री होने वाला है। तो जो चंद्र शुक्र का संबंध है, इस धरती पे जो भी कोर्ट मैरिजेज होंगी, क्योंकि वक्री शनि मकर राशि को देख रहा है, इस धरती पे जो भी कोर्ट मैरिज होंगी वो 28 अगस्त को होंगी। हैप्पीनेस फ्रॉम अपोजिट सेक्स प्लस लक फेवर फ्रॉम लेडीज आइटम्स, लक फेवर फ्रॉम फीमेल आइटम्स, लक मतलब कि बिजनेस जो है स्त्रियों के थ्रू जो है कुछ बन सकता है, कोई कानूनी वो जो है कहानी बन सकती है। शनि भी देख रहा है तो लव मैरिज टाइप का योग बन गया। कुल मिला के 28 अगस्त ठीक भी है, ख़राब भी है। कानूनी काम के लिए ठीक है, गैर कानूनी काम के लिए ख़राब है। बुध वक्री, शनि वक्री, राहु वक्री, राहु 3 डिग्री का, केतु 2 डिग्री का। और 29 अगस्त में भी जो है चंद्र शुक्र आमने सामने हैं, तो टॉप मोस्ट लव मैरिज होने के चांस जो हैं ये बन गए। और उसके बाद 30 अगस्त को जो है चंद्र शनि दोनों इकट्ठे हो गए, सामने सूर्य बुध बैठे हैं। बुध फायदा देता है एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। सूर्य फायदा देता है MLA, MP, GST, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST। तो जो लीगल काम करते हैं उन्हें तो परेशानी नहीं आएगी, जो इलीगल काम करते हैं दिक्कत आएगी। बुध वक्री है तो जिन्होंने भी घर गाड़ी फार्म और जमीन जायदाद लेना है, घर गाड़ी फार्म और जमीन जायदाद के लिए बेटर देन बेस्ट। वक्री बुध कर्क राशि को देख रहा है, वक्री शुक्र कर्क में है, तो ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज के लिए टेक्निकली बेटर देन बेस्ट। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, MLA, MP, लीगल काम के लिए। शनि है 9 डिग्री का और चंद्रमा है 2 डिग्री का 30 अगस्त को 2 बजे। और 31 अगस्त को